आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य करें, अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएंगे, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। ये हमें क्या हुआ था कुमार? हम एक दूसरे पे क्यों प्रहार कर रहे थे? अवश्य कोई माया थी जिसका अंत हुआ। आओ आओ, शत्रु हमारे प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार। तुम्हारे कौशल और शौर्य को नमन है विश्वसेन। अनुमान नहीं था कि कौरव सेना में ऐसे कुशल योद्धा से सामना होगा। सूर्यास्त में समय अभी शेष है अभिमन्यु, और हमारे तुनीरों में बाण नहीं, तो समय व्यर्थ ना करते हुए द्वंद्व आरंभ करें। तो मैं प्रस्तुत हूं योद्धा। तेरे पिता की माया का अंत हुआ बालक, और अब तेरा अंत होगा। हार तब नहीं होती जब मनुष्य पराजित होता है, हार तब होती है जब वो हार मान जाता है। हार मत स्वीकारना पुत्र, इस कुरुक्षेत्र की भूमि को, इस महाभारत के युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। अभी बहुत द्वंद शेष है, उठो, अपने क्रोध को, अपने साहस को, अपने विश्वास को एकत्रित करो, उठो और युद्ध करो। उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र। माधव, पितामह के प्रहार प्रतिक्षण बलशाली होते जा रहे हैं, हम उन्हें बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे। रोकना तो पड़ेगा पार्थ, जितना समय तुम इन्हें रोकोगे उतना समय भीम को मिलेगा कि वो दुर्योधन को परास्त कर युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश कर सके। दुर्योधन,
युद्ध भूमि है, कोई रंग भूमि नहीं, कि औरों के द्वंद का तुम आनंद उठा सको। क्यों दुर्योधन, कायरों की भांति क्यों खड़े हो? आओ और आकर मुझसे युद्ध करो। पुत्र शीघ्रता कीजिए, अर्जुन आपको द्वंद में उलझा रहा है। इधर भीम दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है, महामहिम कुछ कीजिए। साथी सावधान अर्जुन, या तो तुम युद्ध करना भूल गए हो या फिर तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है। दुर्योधन नहीं, नहीं दुर्योधन, भीम तुम्हें उकसा रहा है, द्वंद्व में मत फंसना। उचित काम मामाश्री, मेमनों के आखेट के लिए सिंह आगे नहीं बढ़ते, बस होगे भीम के लिए तो मेरी कलंक की सेना ही पर्याप्त है। कलंक के वीरों, आक्रमण करो आरएस को, बंदी बना लो, जाओ। दुर्योधन बस ये इतने से थे? अरे इनसे तो युद्ध करके मेरे हाथ पैर भी नहीं खुले। आप नियम भंग कर रहे हैं आचार्य, आप एक साथ दो पर आक्रमण नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि युद्ध के नियम के अनुसार दो योद्धा एक योद्धा पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर तो एक योद्धा दो योद्धाओं पर आक्रमण कर सकता है। सहदेव क्या करें नकुल, कुछ करना होगा। हमें गुरु द्रोण को रोककर अधिक से अधिक समय भ्राता भीम को देना होगा। युद्ध सभा में चीख चीख कर अपने पौरुष का बखान करने वाले एक नपुंसक के भांति क्यों खड़े हो? अब किसे लाओगे अपनी ढाल बनाकर? ये विकोदर भीम तुम्हारी हर ढाल को तोड़कर तुम्हारा अंत करेगा। मैं तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा कायर दुर्योधन।
उठकर प्रहार करने का सामर्थ्य शेष है काकाश्री, या पराजय स्वीकार करते हैं? जय और पराजय की चुनौती बराबरी के योद्धाओं को दी जाती है बालक। प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हें कोई समर्थ योद्धा नहीं मिला। मैं शब्दों के बाण नहीं चलाता नाना श्री। अच्छा, तो युद्ध करो या समर्पण करो। क्या हुआ, थक गए? अरे ये उस मूर्ख विराट पुत्र उत्तर की संगति का प्रभाव है। ये उसे भी यही लग रहा था कि मेरे समक्ष वो कुछ कर दिखाएगा, पर मूर्ख मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को चींटी की भांति इन्हीं हाथों से मसल दिया मैंने उसे। पीछे हट जाओ अभिमन्यु, अन्यथा उत्तर से कहीं पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी। मृत्यु तो ये समझिए कि आज उत्तर का प्रतिशोध पूर्ण होगा। इसे मूर्खता कर रहे हो अभिमन्यु, मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। शत्रु का क्रोध मुझे और बलशाली बनाता है, बलशाली। इतना ललचाने के पश्चात भी तुम रथ पर छिप कर बैठे हो दुर्योधन। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, एक नपुंसक के वध की प्रतिज्ञा कर बैठा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं बल्कि एक बाण। बहुत हो गया, सावधान। क्रोध से भरे कुमार भीम अविवराज दुर्योधन की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज, मेरा दुर्योधन किसी संकट में तो नहीं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम युद्ध के दूसरे दिन ही पांडव पक्ष को जय श्री दिलवा दे? दिखाओ तुम्हारा पौरुषत्व।
या कहो तो हस्तिनापुर की स्त्रियों से आभूषण लाके तुम्हें पहना दूं? क्या हुआ? युद्ध बातों से नहीं बाल से जीता जाता है। शरीर जैसे शरीर में बड़ा सा भी साहस बचा है रोज और प्रहार कर मुझ पर। अरे ये क्या पहचानेगा अपनी शक्ति को? इसे कैसे मैंने वस्त्र और आभूषण रहित करके मच्छर बिठा दिया था? मैंने कदाचित ये तो ये भी भूल गया है कि कैसे मैंने अली सभा में उस दासी द्रौपदी को उसका उचित स्थान दिखाया था। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी चंगा में बैठो। वस्त्र हरण करो इस दासी का। वचन को पूर्ण कीजिए। आज यदि आपने भीम का वध नहीं किया तो हस्तिनापुर का युवराज घर नहीं लौटेगा। वामहिम भीम, रुक जाओ, दूर हो जाओ दुर्योधन से, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। सावधान पितामह, यदि आपने भ्राता भीम पर प्रहार किया तो मुझे विवश होकर आप पर बाण संधान करना होगा। हट जाओ भीम। क्षमा चाहता हूं पितामह, आप अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना है। आज मैं इस दुर्योधन का वध तो करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं के प्राण क्यों न गंवाने पड़े। स्वयं के प्राण गंवा सकते हो भीम, परंतु क्या अपने दोनों भ्राताओं को इस आहुति में झोंक दोगे तुम? तुम्हारी इस भूल का फल नकुल और सहदेव को भुगतना होगा। अभी जरा देखो उधर, पिताश्री यह
शस्त्र को नीचे करिए द्रोण, अन्यथा सदैव के लिए पुत्र से हाथ खो बैठोगे। दुर्योधन, तेरा अंत आ गया है। तुम्हारे पास दो विकल्प शेष है दुर्योधन, या तो शेष युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करो, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, या फिर अपने प्राण यमराज को समर्पित करो। मारो, शीघ्रता करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर,